वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं बल्कि फिर से वापसी करता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां रिकवरी से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल है जहां लगातार एक्टिव केस बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं केरल में हालात काबू में आते दिख रहे हैं। यहाँ सोमवार को 2,841 एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर से बढ़ोतरी दिखाई दी। दो दिन की शांति के बाद आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90.93 रुपए पर पहुंच गया है। इसी के साथ डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहां बता दें कि देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से लगातार तनाव भरा माहौल होने के बावजूद पाक को मिली भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की परमिशन। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को श्रीलंका का दौरा करना है जिसके लिए अब उनके एयरक्राफ्ट को भारत सरकार की तरफ से इंडियन एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। वहीं गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों को अगर बात करी जाए तो यहां 6 महानगरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में वोटिंग हुई थी और आज यहां इन 6 नगर निगमों के उम्मीदवारों के भविष्य का आज फैसला होना है। अब नतीजों में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। वहीं कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर सीबीआई की जांच की जा रही है। कोयला तस्करी मामले में अब जांच का दायरा ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच गया है। इसके लिए सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और उनकी पत्नी रुजीरा से पूछताछ की गई। बता दें कि ममता बनर्जी के अभिषेक के घर से निकलने के तुरंत बाद ही सीबीआई की टीम वहां पहुंची। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।